एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जब 9 जून को जयपाल भुल्लर का कोलकाता में इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी पंजाब लेकर आते हैं। संस्कार से पहले जब उसका स्नान करवाया जाता है तो देखते हैं कि उसकी बॉडी पर कई जगह फ्रैक्चर के निशान हैं, चाहे वो बाजू है, चाहे वो टांगे हैं, चाहे वो शरीर के और पार्ट्स हैं, वहाँ पर कई फ्रैक्चर के निशान हैं। इसी संदेह पर जयपाल भुल्लर के पिता का कहना है कि पहले जयपाल भुल्लर को पकड़ लिया गया था, उसके बाद उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया और उसके बाद गोलियों से उसका इनकाउंटर कर दिया गया। इसके बाद जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा फिरोजपुर के डीसी से यह मांग की गई कि जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, उसके बाद ही वो जयपाल भुल्लर का संस्कार करेंगे। डीसी द्वारा इन सब मांगों पर इनकार करने के बाद जयपाल भुल्लर के पिता ने हाईकोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट में अब तक क्या प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, किस तरीके से हाईकोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है, उसके पिता जो कि चंडीगढ़ में खास तौर पर पहुंचे हैं और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी कि आखिर जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए या नहीं। पर उससे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। फिरोजपुर से हमारे संवाददाता विनय हांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। विनय हांडा जी, अब तक की क्या सिचुएशन है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में? जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा ये मांग की गई है कि उसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, अब तक का क्या? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक वीडियो जो वायरल हो रहा है यह हकीकत में जयपाल भुल्लर का है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उसके शरीर पर कई जगह फ्रैक्चर के निशान हैं। जी प्रहलाद जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब जिस दिन संस्कार के दौरान रीति रिवाज करते समय उसके पिता द्वारा उसको नहलाया गया, तब उनको उनके द्वारा ये देखा गया कि जयपाल भुल्लर के शरीर पर तो कुछ जख्म है और जो उसकी बाजू है या उसका जो कंधा है वो ब्रेक है। उसी दौरान उन्होंने ये आरोप लगाए कि ये जो इनकाउंटर पुलिस द्वारा बताया जा रहा है ये बिल्कुल फेक है, ये पुलिस द्वारा इनकाउंटर नहीं किया गया, ये उनको टॉर्चर किया गया। उसी के माध्यम से उन्होंने जब अपने वकील से बात करी तो उन्होंने फिरोजपुर डीसी को एक एप्लीकेशन लिख के एक दोबारा पोस्टमार्टम की उनसे मांग करी, बट फिरोजपुर डीसी ने ये कहकर मना कर दिया कि ये उनके हाथ में नहीं है, ये हाईकोर्ट की मंजूरी से ही दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है। फिर उनके द्वारा अपने वकील को साथ लेकर के चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई कि उनकी ओर से ये पोस्टमार्टम को डिमांड में लाएगा कि दोबारा उनको पोस्टमार्टम करवाना है और जो उनके आगे सच्चाई है वो तो लाना चाहते हैं कि ये जो फेक एनकाउंटर पुलिस द्वारा बनाया गया है ये असलियत में इनकी असलियत है क्या, कि जो उनके बेटे के जो फ्रैक्चर है या उनकी इंजरीज में है वो कैसे हुई है या गोली लगी है वो किस तरह से लगी है, ये प्रहलाद जी। अब तक हांडा जी आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये पटिशन तो डाल दी गई है, अब कुछ ये जानकारी मिल पाई है कि हाई कोर्ट कब इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी या कब उसका वर्डिक्ट आ सकता है? जी अभी इस बारे में कुछ कहना मुमकिन संभव नहीं है, क्योंकि जब उनके फादर से हमने फोन पे रब्ता किया तो उनका यही कहना था कि कल सुबह 11-12 बजे के करीब हाईकोर्ट में से कोई जवाब आएगा, उसके बाद ही वह कोई हमें कुछ बता पाएंगे। अभी उसके फादर उस बारे में हमसे बात नहीं कर रहे हैं, वो इतना ही कह रहे हैं कि मुझे कल 11-12 बजे तक टाइम दो, कल 11-12 बजे कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद ही वह आगे का देखेंगे उन्होंने कैसे करना। हांडा जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई सिख जथेबंदियां हैं वो भी इस इनकाउंटर का विरोध कर रही हैं, आप किस तरह देखते हैं? कहीं ना कहीं ये माना जाए कि यह जो इनकाउंटर फेक इनकाउंटर हुआ था या जिस तरीके से आवाज़ उठाई गई है या आवाज़ उठाई जा रही है ये एक फेक इनकाउंटर था? जी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर द्वारा इस इनकाउंटर को लेकर के शंका जताई जा रही है, वह भी उसके जयपाल के पिताजी बात कर रहे हैं कि जैसे उनको लगा है कि ये इनकाउंटर नहीं मर्डर है, तो वह उसी चीज को वो लेके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपने लॉ के अकॉर्डिंग इसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, क्योंकि पिछले अगर संविधान में देखे तो
कई कई लोगों के तो 4 बार पोस्टमार्टम हो चुके हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर लोगों के कोर्ट की तरफ से 4 बार पोस्टमार्टम हो सकता तो इसका दूसरी बार क्यों नहीं हो सकता, उसे लेकर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की ओर से भी पूछ गया गया कि इसको पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो माननीय अदालत को भी उनकी ओर से दरखास्त की गई है कि वो उन्हें मंजूरी दें ताकि जो सच है सारी दुनिया के आगे आ सके। जी बराबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनय हांडा जी हमें हमारे साथ हमें जानकारी देने के लिए। तो विनय हांडा जी जो कि फिरोजपुर से हमारे संवाददाता है, जिनके द्वारा ये कहा गया कि यह आशंका जताई जा रही है कल इस पूरे मामले को लेकर पंजाब और हाई कोर्ट कोई ना कोई फैसला सुना सकती है, पर अभी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा कि कल हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाती है या नहीं। अब जो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, अपने जो दर्शक हैं उनको बताना चाहते हैं कि यह बिल्कुल सच्चाई है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है वो गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का है, और यह भी दिखाया जा रहा है उस वीडियो में कि किस तरीके से उनके शरीर पर जगह जगह फ्रैक्चर हो रखे हैं, और ये आशंका भी जताई जा रही है जयपाल भुल्लर के घर वालों के द्वारा कि पहले जयपाल भुल्लर को पकड़ लिया गया था, फिर उसका टॉर्चर किया गया, फिर उसके बाद उसका फेक इनकाउंटर कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाती है। धन्यवाद।